के नाम से जानती है। वो आज फिक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बन चुका है। वो आज क्रिकेट के इस काले खेल का खिलाड़ी नंबर वन है। अजीत चंदीला इतना बड़ा स्टार तो नहीं था, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े थे। वो 2.5 लाख की जींस और 1 लाख की घड़ी पहनता था। चंदीला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अलग पहचान के लिए वो साथी खिलाड़ियों के बीच में जाना जाता है। मेरी वो सबसे डिफरेंट है अपनी टीम में, सबसे फेमस तो उसी चीज के लिए। लास्ट टाइम मैंने हमारा इवेंट हुआ था फर्स्ट, जो टूर्नामेंट होने से पहले होता है, तो उसमें मैंने ऑरेंज कलर शूज डाला था। अच्छा। तो उससे मैं थोड़ा फेमस हुआ। फिर मेरे ट्राउजर कलर डिफरेंट होते हैं, रेड ग्रीन। अजीत चंदीला को महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था। वो लग्जरी लाइफ जीना चाहता था। उसे 5 स्टार होटलों में मस्ती करने में मजा आता था। फरीदाबाद के इस साधारण से मकान में अजीत चंदीला रहते थे, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी साधारण से मकान में रहने वाला एक नौजवान 2.5 लाख रुपए की जींस खरीदता था? शायद यकीन करना मुश्किल हो। दरअसल शुरू से ही क्रिकेट के दौरान अजीत चंदीला को हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का शौक लग गया, और उस हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़ों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा। और उसके लिए अजीत चंदीला को नजर आया एक शॉर्टकट, स्पॉट फिक्सिंग। अगर चंदीला सिर्फ क्रिकेट खेलकर अपने ख्वाब पूरे करता तो शायद आगे चलकर बड़ा खिलाड़ी बनता, क्योंकि चंदीला ने आईपीएल के एक मैच में सचिन और पॉन्टिंग का विकेट भी लिया था। बॉल तो बहुत अच्छा डाल रहा हूँ मैं, और कॉन्फिडेंट और ज्यादा हो गया हूँ कि सचिन पाजी और पॉन्टिंग आउट करने के बाद। चंदीला का बचपन हरियाणा के फरीदाबाद की गलियों में बीता है। आज भी चंदीला का परिवार फरीदाबाद में ही रहता है। हरियाणा की गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला चंदीला किसान परिवार से आता है। आज भी उसके परिवार के लोग गांव की शांत जिंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के इस मकान में पले बढ़े अजीत चंदीला को शुरू से ही स्पिन बॉलर बनने का शौक था। इन्हीं गलियों में अजीत चंदीला ने बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। पहले ये गलियां, फिर स्कूल की क्रिकेट टीम, और उसके बाद आईपीएल। आईपीएल में अजीत चंदीला ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए एक अहम स्पिन बॉलर की भूमिका निभाई। रातों रात अमीर बनने की चाहत और अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चंदीला ने जो रास्ता चुना, वो आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का रास्ता था। इसी रास्ते से चंदीला ने करोड़ों कमाए, लेकिन काली कमाई के इस खेल में वो इतना आगे निकल गया, आखिर उसका भेद खुला तो वो आज सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अमित प्रकाश के साथ छतर सिंह खींची, जी मीडिया दिल्ली। तो ये तो बात रही अजीत चंदीला की, जिसने एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का रास्ता चुना। लेकिन अब बात करते हैं उसके परिवार की, जो आज भी ये मानता है कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हरियाणा का फरीदाबाद शहर, इसी शहर का एक बेटा आज दुनिया की नजर में विलेन बन चुका है। उसके ऊपर ऐसा बदनुमा दाग लगा है जिसे दुनिया स्पॉट फिक्सिंग के नाम से जानती है। क्रिकेट के इस काले खेल से जुड़ने के बाद चंदीला की जिंदगी तो रातों रात चकाचौंध में डूब गई थी, लेकिन उसका परिवार आज भी फरीदाबाद के इस मकान में रहता है। अजीत चंदीला के घर में माँ, बड़ा भाई, भाभी और पत्नी है। इसके अलावा चंदीला के 2 बच्चे भी हैं। अजीत की भाभी पार्षद हैं और परिवार अब भी खेती किसानी का काम करता है। चंदीला के परिवार के लोग आज भी गुर्जर बिरादरी के उन रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं, जिनको अजीत चंदीला काफी पीछे छोड़ चुका था। 16 मई से पहले इस परिवार की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। सभी मिलकर अपने बेटे अजीत की तरक्की की खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में अजीत चंदीला की गिरफ्तारी के बाद परिवार गहरे सदमे में है। अजीत की माँ को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। मेरे बेटे से खुश नहीं है, अच्छा खेल रहा हूँ, ये राजनीति चल रही है, मेरे को पता नहीं जैसा मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया और राजनीति चल रही है, झूठ और आरोप लगाया जा रहा है। अजीत चंदीला की पत्नी सरिता की जिंदगी तो मानो थम सी गई है।
अपने पति पर इतना बड़ा दाग लगने पर वो सिर्फ इतना कह रही है कि मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। नहीं, ये सच्चा आरोप है क्योंकि तीन लोग इसमें, श्री संत का नाम भी सामने है, अजीत का भी नाम सामने, एक और शख्स उनका भी नाम सामने है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण का? झूठा है, मैं यही कहना चाहूंगी, ये झूठा सच नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस की लेकर बात करें तो क्या उनके परफॉर्मेंस से छिड़कर इस प्रकार का? यही, क्योंकि परफॉर्मेंस सबको पता है कि उनकी कैसी है, आपको पता है। आपकी जब उनसे बात होती थी क्या कभी उन्होंने इस प्रकार का जिक्र भी किया था कि हाँ उनके साथ कोई इस प्रकार का स्टैप उठाया? किसी को भी यकीन नहीं है कि अजीत ने पैसे के लालच में क्रिकेट को कलंकित किया है, लेकिन पुलिस का दावा तो यही है कि स्पॉट फिक्सिंग में अजीत चंदीला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। अमित प्रकाश के साथ छतर सिंह खींची, जी मीडिया दिल्ली। तो आपने देखा कैसे अजीत चंदीला का परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि वो फिक्सिंग में मास्टरमाइंड है, फिक्सिंग का, जैसा आज दुनिया की नजर में अजीत फिक्सिंग का मास्टरमाइंड बन चुका है। लेकिन उनके दोस्त अब भी ये मानते हैं कि क्रिकेट के इस काले खेल में उसका कोई हाथ नहीं। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने बात की अजीत चंदीला के दोस्त देवेंद्र सिंह से, सुनिए। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में क्रिकेटर अजीत चंदीला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह नयन, और कहा जाता है कि वो उनके फैमिली फ्रेंड हैं और अजीत चंदीला को इन्होंने बचपन से बड़ा होते देखा, क्रिकेट खेलते देखा, मेहनत करते देखा, लेकिन आज जहां वो पहुंच गए हैं। सीधा देवेंद्र सिंह जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सोचते हैं, क्या कुछ हुआ और अब परिवार क्या सोचता है। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा मेरा, ये जो तमाम आरोप अजीत चंदीला पर लगे हैं, इन आरोपों के बारे में पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो हमारी यही है कि हमें ये चीज हजम नहीं हुई कि अजीत इस तरह का कुछ काम कर सकता है, क्योंकि बचपन से ही वो इस फील्ड के लिए लड़ता आया है, मेहनत करता आया है, सुबह शाम रात देर। तो हमें ये नहीं लगता कि वो इस तरह का कुछ गलत काम अपनी मर्जी से करता। क्या कभी बातचीत में ऐसा लगा हो कि पैसा जल्दी आना चाहिए, जल्दबाजी में पैसा कमाना है या चकाचौंध है उससे प्रभावित है तो हमें जल्दी आगे बढ़ना है, और कई बार आदमी शॉर्टकट के चक्कर में इस तरह का रास्ता अख्तियार कर लेता है? नहीं, अजीत से जब भी हमारी इस बारे में बात होती थी कि भाई अजीत क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हमेशा यही कहता था कि भाई साहब मेहनत चल रही है, मेहनत रंग लाएगी और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को गर्व महसूस करवाऊंगा। तो उसने कभी पैसे के लिए इस तरह का हमें कभी ये नहीं कहा कि भाई मुझे पैसा कमाना है इस क्रिकेट से जुड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। साफ तौर पे घर वाले, परिवार वाले और जो दोस्त हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, इसमें बहुत कुछ वो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज वो लगातार कह रहे हैं कि वो जहां तक अजीत चंदीला को जानते हैं बचपन से लेकर और जवानी तक और आईपीएल खेलने तक, उनका यही मानना है कि वो निर्दोष है और उस पर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, और अगर कहीं से ये साबित होता है कि अजीत चंदीला ने ऐसा कोई काम किया है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई दबाव अजीत के ऊपर रहेगा, तभी अजीत चंदीला ने ऐसा काम किया, ऐसा परिवार वालों का कहना है। अपने सहयोगी कैमरामैन शेर सिंह के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो आपने देखा कैसे उसके दोस्त भी ये मानते हैं कि वो कभी भी स्पॉट फिक्सिंग नहीं कर सकता था, लेकिन अजीत चंदीला पर फिक्सिंग का फंदा लगातार कसता जा रहा है। आज पुलिस ने चंदीला के रिश्तेदार के घर से 20 लाख रुपए बरामद किए। अजीत चंदीला फिक्सिंग के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि अजीत चंदीला का क्रिकेट करियर केवल आईपीएल में ही चमका, क्योंकि आईपीएल 5 में अजीत चंदीला ने हैट्रिक लगाई थी। याद कीजिए वो दिन 13 मई 2012 को पुणे के खिलाफ हुए मुकाबले में अजीत चंदीला ने लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। देखिए,